हेलो एवरीवन आज हम लोग लिक्विड 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 इक्वेरियम का एक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इक्वलैटरल लिक्विड, ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट जो कि लिक्विड लिक्विड इक्वेरियम डाटा को प्लॉट करने में यूज होता है हम तो हम लोग आज ब्रीफली लिक्विड लिक्विड, लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देख लेते हैं लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज अ मास ट्रांसफर ऑपरेशन इन विच अ फीड विच इज़ अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ कैरियर एंड सोल्यूट फीड विच इज द बाइनरी मिक्सर ऑफ कैरियर प्लस सॉल्यूट इज ब्रॉट इंटू कॉन्टेक्ट विथ द सोल्वेंट फीड विच इज अचर ऑफ बाइनरी मिक्सर ऑफ कैरियर एंड सोल्यूट इज ब्रॉट इंटू कॉन्टैक्ट विथ द सोल्वेंट टू एक्सट्रैक्ट द सोल्यूट फ्रॉम द फीड टू द सोलवेंट इसमें हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसको हम लोग सेटलर में सेपरेट होने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए लीव कर देंगे लॉन्ग टाइम के लीव करने के बाद ये दोनों इमिसिबल फेज इक्ब्रिया में आ जाएगा एक फेज को कहेंगे हम लोग एक्सट्रैक्ट फेज दूसरे को कहेंगे रेफिनेट फेज रेफिनेट एक्सट्रैक्ट फेज में हमारा होगा कैरियर कैरियर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ए से करेंगे सॉल्यूट का सी से सॉल्वेंट का करेंगे बी से एक्सट्रैक्ट फेज तो में हमारा होगा ए बी सी कैरियर सॉल्वेंट, सॉल्यूट सिमिलरली रेफिनेट में होगा कैरियर सॉल्वेंट सॉल्यूट ए बी सी हमारा एक्सट्रैक्ट में तो कैरियर का अमाउंट कम होगा सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूट का अमाउंट अधिक होगा सिमिलरली रेफिनेट में कैरियर विल बी लार्जर सॉलवेंट इस्म एंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द रेफिनेट वो भी कम होगा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रेफिनेट फेज के लिए हम लोग एक्स एक्स बी एक्ससी सिमिलरली एक्स्ट्रैक्टली यूज करेंगे हम लोग वाई ए वाई बी वाई सी एक्स ए हमारा वेट फ्रैक्शन ऑफ कैरियर इन द रेफिनेट एक्स बी है वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉलवेंट इन द रेफिनेट एक्ससी है वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन रेफिनेट सिमिलरली वाई है वेट फ्रैक्शन ऑफ कैरियर इन एक्सट्रैक्ट वाई बी है वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉलवेंट इन एक्सट्रैक्ट वाई सी है वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट अब हम लोग जो इक्विलेटल ट्राइंगुलर डॉर्डिनेट यूज करते हैं वो हम यही जो इक्विब्रियम एक्स्ट्रैक्ट और रेफिनेट फेज में जो हमारा वाई एक्स ए वाई बी एक्स बी है वाई सी एक्स सी है इसको प्लॉट करने के लिए हम लोग इक्वलैट्रल ट्रायंगुलर यूज़ करते हैं क्योंकि ये टर्नरी मिक्सर है इसलिए ये इजीली प्लॉट हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट में इक्लेट्रल ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे इक्वलैट्रल ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट हमारा होता है ये इक्विलैट्रल ट्रायंगल हुआ इसमें हम लोग इस वर्टिस को एपेक्स को डिनोट करेंगे सी से हमारा सोल्यूट हुआ ये वर्टेक्स को ए से कैरियर और इस वर्टेक्स सॉल्वेंट तो हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगुलर में क्या होता है पॉइंट हम लोग लिखेंगे एपेक्स रिप्रेजेंट प्योर कॉम्पोनेट एपेक्स रिप्रेजेंट प्योर कॉम्पोनेंट ये एपेक्स हमारा सिर्फ सॉल्यूट कंटेन करेगा इसमें कैरियर और सॉल्वेंट जीरो होगा हमारा ये क्या होगा 100% 100% हंड्रेड सी अगर हम लोग परसेंट में लिख रहे हैं अगर वेट वेट परसेंट वेट फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा सी जो हमारा होगा वो 1 होगा सिमिलरली ए क्या होगा एपेक्स रिप्रेजेंट प्योर कॉम्पोनेंट तो ये क्या होगा बी ए क्या होगा हमारा हंड्रेड परसेंट बी क्या होगा हंड्रेड परसेंट इस वर्टेक्स में बी जीरो है सी जीरो है इस वर्टेक्स में ए जीरो है सी जीरो है इस वर्टेक्स में ए जीरो है बी जीरो है सी हंड्रेड परसेंट है नंबर टू साइड्स रिप्रेजेंट द बाइनरी मिक्सचर जो हमारा साइड है जिसे ए सी ए सी विल बी अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ कैरियर ए एंड सोल्यूट सी साइड ए सी विल बी अ मिक्सचर ऑफ ए एंड सी सिमिलरली साइड बी सी विल बी अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ बी एंड सी साइड ए बी विल रिप्रेजेंट बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड सी साइड ए बी में जो हमारा सॉल्यूट होगा वो जीरो होगा साइड बी सी में हमारा जो कैरियर होगा वो जीरो होगा साइड ए सी में सॉल्वेंट जीरो होगा ए बी विल बी अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ कैरियर ए एंड सोलवेंट बी थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे एनी पॉइंट विद इन द ट्रैंगल रिप्रेजेंट टर्नरी मिक्सचर इसका मतलब यह हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के विदिन कोई भी हम पॉइंट ले अगर पॉइंट हम एम लेते हैं तो ये एम जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट एम विल रिप्रेजेंट अ मिक्सचर ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग ए बी एंड सी पॉइंट एम में हमारा ए भी होगा बी भी होगा सी भी होगा इन डिफरेंट अमाउंट अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, ए, सी, ए, बी ये हमारा सी हुआ हंड्रेड परसेंट ए हंड्रेड परसेंट बी हंड्रेड परसेंट सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट Within the triangle from the three sides is equal to the altitude of the इक्विलेटरल ट्राइंगल ये ये सीटी हमारा एल्टीट्यूड हुआ एनी पॉइंट विद इन द मिक्सर पॉइंट एम है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विद इन द ट्राइंगल फ्रॉम द थ्री साइड्स इज इक्वल टू एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम बी सी Mn1, perpendicular distance of point M from AB, Mn2, perpendicular distance of point M from AC, Mn3. So, sum of perpendicular distance of any point, Mn1 plus Mn2 plus Mn3 will be equal to Ct. एम एन वन प्लस एम एन टू प्लस एम एन थ्री इज इक्वल टू सी टी ये हमारा बेसिस होता है तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो सी टी है ये इसको हम लोग बोल सकते हैं हंड्रेड परसेंट कम्पोजिशन और इसी कंपोजिशन में एम एन वन एम एन टू एम एन थ्री रहेगा दूसरा पॉइंट क्या होता है बेसिस का कंस्ट्रक्शन का द परपेंडिकुलर डिस्टेंस Distance the perpendicular distance of a point from a given side represents or व्स द कंपोजिशन ऑफ द एपेक्स अपोजिट टू दैट साइड इसका मतलब क्या होगा जैसे यह हमारा इक्ुलेट्रल ट्राइंगुलर हुआ एक पॉइंट हम लेते हैं एम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विद विद इन इन ए पॉइंट फ्रॉम अ गिवेन साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवेन साइड ये हंड्रेड सी ए बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवेन साइड रिप्रेजेंट और गिव द कंपोजिशन ऑफ द एपेक्स अपोजिट टू दैट साइड तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम ए बी एम एन विल गिव द कंपोजिशन ऑफ द एपेक्स अपोजिट टू दैट साइड यानी ए बी साइड का अपोजिट एपेक्स क्या है सी तो एम एन जो होगा हमारा वो हम देगा लेंथ लेंथ ऑफ एम एन विल गिव द कंपोजिशन ऑफ सी एट एम सिमिलरली हम लोग एम एन वन मानते हैं एम एन टू सॉरी एम एन टू मानते हैं The, अब ये क्या होगा एम एन एम एन वन ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉइंट एम फ्रॉम ए बी एम एन वन ये क्या देगा कंपोजिशन ऑफ ए एट एम क्योंकि ए बी साइड से ए जो है ए भटक से है ये अपोजिट टू बी सी है इसलिए और एम एन थ्री क्या देगा ये एम एन थ्री हुआ एम एन थ्री हमारा देगा कंपोजिशन ऑफ बी एट एम ए बी साइड जो है वो भार्टिक्स बी का अपो, अपोजिट है इसलिए एम एन थ्री जो होगा वो कंपोजिशन ऑफ बी एट एम देगा कंपोजिशन हम हम लोग मेजर करेंगे वेट फ्रैक्शन में ये दो बेसिस हुआ हम अब हम लोग का अब हम लोग इस देखेंगे कि इक्लिब्रियम कोऑर्डिनेट को कैसे रीड करते हैं यह हुआ इक्लिब्रियम कोऑर्डिनेट। यह वर्टेक्स सॉल्यूट है हंड्रेड परसेंट प्योर सी ये ए कैरियर हंड्रेड परसेंट ये सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट हंड्रेड परसेंट ये साइड जो है इसको हम लोग डिवाइड कर दिए पैरेलल लाइन से ये एक पैरेलल लाइन हुआ ये दूसरा पैरेलल लाइन हुआ ये तीसरा पैरेलल लाइन हुआ ये चौथा पैरल लाइन हुआ सिमिलरली इस साइड को भी हम लोग पैरल लाइन से डिवाइड कर दिए इसको रीड करने के लिए क्या होता है हम लोग सबसे पहले जो साइड है उसको देखेंगे कि कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो कितने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है वन टू थ्री फोर फाइव साइड ए बी साइड बी सी को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है किया गया है वन टू थ्री फोर फाइव तो हमारा ये इक्वल साइज जो है इसका इक्वल पार्ट्स जो है कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है तो ये इक्वल पार्ट का साइज क्या होगा हंड्रेड डिवाइडेड बाय फाइव यानी ट्वेंटी परसेंट तो जो ये ट्वेंटी परसेंट साइज साइज ऑफ इक्वल पार्ट क्या हुआ ट्वेंटी परसेंट अब हम लोग कैसे कंपोजिशन को रीड करेंगे जो हमारा अगर इसमें देखते हैं जैसे सी है तो सी का हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जो पैरेलल लाइन है उसको फॉलो करेंगे इस पैरेलल लाइन में सी का कंपोजिशन सेम रहेगा और ट्वेंटी परसेंट से ये लाइन डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ सी हंड्रेड परसेंट हुआ तो यहाँ क्या होगा ट्वेंटी परसेंट यहाँ होगा 20%, 20 से होगा ट्वेंटी परसेंट इस लाइन में एट्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट से डिक्रीज कर रहा तो यानी हंड्रेड परसेंट यहाँ इस पैर लाइन में क्या होगा एट्टी परसेंट सिमिलरली इसमें क्या होगा एट्टी फिर ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज कर रहा तो यह होगा सिक्सटी परसेंट इस लाइन पूरे में ऑरेंज लाइन में कम्पोजिशेंट ऑफ सी जो होगा वह सिक्सटी परसेंट होगा सिक्सटी परसेंट इस ऑरेंज लाइन में क्या होगा सिक्सटी फिर ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज रहा 40 40 तो क्या होगा फोर्टी परसेंट इस लाइन में भी होगा फोर्टी परसेंट इस ट्वेंटी परसेंट तो सी इस भाटेक्स में हंड्रेड परसेंट ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज हुआ तो ये ऑरेंज लाइन में हुआ एट्टी परसेंट इस ऑरेंज लाइन में हुआ सिक्सटी परसेंट इस ऑरेंज लाइन में हुआ सिक्सटी परसेंट फोर्टी परसेंट इस और लाइन में ट्वेंटी परसेंट और ए बी साइड में सी हमारा जीरो है तो भर्टेक्स में हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट से डिक्रीज कर रहा है और ए बी साइड में जीरो है सिमिलरली ए का क्या होगा ए यहाँ हंड्रेड परसेंट है और ये ये लाइन क्या है ट्वेंटी परसेंट में डिक्रीज किया है तो ये भर्टेक्स में ए हंड्रेड परसेंट यहाँ पर क्या होगा एट्टी इस इस लाइन में क्या होगा सिक्सटी इस, इस लाइन में, में? में क्या होगा ग्रीन लाइन में एट्टी सिक्सटी फोर्टी इस ग्रीन लाइन में क्या होगा ट्वेंटी परसेंट और बीसी साइड में ए का कंपोजिशन परसेंट जीरो होगा यानी इस बार में हंड्रेड परसेंट प्योर है ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज कर रहा है यानी एट्टी ट्वेंटी जीरो इस अपोजिट साइड से हम लोग देख सकते हैं इस इस साइड में क्या है ए जीरो है ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज कर रहा है इस लाइन में क्या होगा ट्वेंटी इस लाइन में होगा फोर्टी इस लाइन होगा सिक्सटी इस लाइन में होगा एट्टी यहां हंड्रेड बी के लिए देखेंगे बी के लिए हम लोग क्या करेंगे इस पैरल लाइन को फॉलो करेंगे यहां हमारा हंड्रेड परसेंट है ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा एट्टी सिक्सटी फोर्टी ट्वेंटी जीरो बी इज हंड्रेड एट दिस वर्टेक्स और ए सी साइड में बी जीरो होगा अब ए सी साइड में क्या है बी जीरो है ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज कर रहा है तो इस लाइन में क्या होगा ट्वेंटी परसेंट बी इस लाइन में क्या होगा फोर्टी परसेंट बी इस लाइन में क्या होगा सिक्सटी परसेंट बी इस लाइन में एट्टी परसेंट बी इस लाइन में हंड्रेड अब हम लोग कोई अगर बोलता है ये पॉइंट पी पॉइंट का कंपोजिशन क्या होगा तो हम लोग पी पॉइंट का कंपोजिशन कैसे निकालेंगे पी पॉइंट एनी पॉइंट विद इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल विल रिप्रेजेंट अ टर्नरी मिक्सर तो पॉइंट पी में क्या क्या होगा ए भी होगा बी भी होगा सी भी होगा तो हम लोग ए बी सी कैसे निकालेंगे पॉइंट पी है क्या निकालने के लिए क्या तरीका है ए इस भर्टेक्स पे हंड्रेड परसेंट है और ट्वेंटी परसेंट से डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा हंड्रेड परसेंट इस भर्टेक्स में इस पैरल लाइन में क्या होगा एट्टी इस पैरल लाइन में क्या होगा सिक्सटी इस पैरल लाइन में क्या होगा फोर्टी इस पैरल लाइन में क्या होगा ट्वेंटी यानी ए एट पॉइंट पी एट पॉइंट पी यहां लिख दिए ए होगा ट्वेंटी परसेंट अपोजिट से भी देख सकते हैं बी सी साइड में ए जीरो है और ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज कर रहा है तो है। ए बी सी सी इस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा ए इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा बी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तो इस बी सी साइड में ए जीरो है इस लाइन में क्या होगा ए ट्वेंटी परसेंट नी एट पॉइंट पी ए ट्वेंटी परसेंट बी के लिए देखेंगे बी हंड्रेड परसेंट यहाँ है ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज कर रहा तो क्या होगा इस लाइन में एट्टी इस लाइन में सिक्सटी इस लाइन में फोर्टी अब सी सी इज हंड्रेड परसेंट इस, इस भर टेक्स पे ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या होगा एट्टी ये लाइन में क्या होगा सी ये पैरल लाइन में हंड्रेड एटी सिक्सटी इस पूरे लाइन में क्या होगा फोर्टी ऐसे भी देख सकते हैं एट पॉइंट पी हमारा क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी हंड्रेड परसेंट होगा एट पॉइंट पी ए प्लस बी प्लस सी टू हंड्रेड परसेंट क्या होगा हमारा ए एन ट्वेंटी परसेंट है बी है फोर्टी परसेंट तो सी क्या हो जाएगा क्वल टू फोर्टी परसेंट और वेट वेट फ्रैक्शन के टर्म में रहेगा तो ये क्या होगा हम लोग का सी होगा जीरो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्वेश्चन में है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द टर्नरी मिक्सचर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट पी ये पॉइंट पी पे हम लोग को कंपोजिशन निकालना टर्नरी मिक्सर का पॉइंट पी टर्नरी यहाँ ए भी होगा बी भी होगा सी भी होगा अब हम लोग देखेंगे कि साइड ए सी जो है ये कितने पार्ट में डिवाइड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन इक्वल पार्ट में पैरल लाइन से डिवाइड किया गया है वन पैरल लाइन टू पैरल लाइन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन इक्वल पार्ट में ये डिवाइड किया गया है तो साइज ऑफ ईच इक्वल पार्ट क्या होगा ये हंड्रेड परसेंट है ये भी ये ये हंड्रेड ये परसेंट है वेट फ्रैक्शन के टर्म में ये दिया है तो सी क्या होगा हम वेट वेट ये वेट फ्रैक्शन क्या होगा सी वन प्योर ए के लिए क्या होगा वन वेट फ्रैक्शन ऑफ बी एट दिस वर्टेक्स क्या होगा वन तो हंड्रेड है वन डिवाइड बाई हंड्रेड वन डिवाइड बाई टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड सॉरी सॉरी वन डिवाइड बाई टेन ये जीरो पॉइंट वन साइज ऑफ ईच इक्वल पार्ट क्या होगा जीरो पॉइंट वन सी यहां पे क्या है वन है इस वर्टेक्स पे इस वर्टेक्स पे क्या होगा हम जीरो पॉइंट वन से डिक्रीज करेगा तो सी यहाँ क्या होगा जीरो पॉइंट नाइन इस इस लाइन में क्या होगा जीरो पॉइंट एट इस लाइन में क्या होगा जीरो पॉइंट सेवन इस लाइन में क्या होगा जीरो पॉइंट सिक्स इस लाइन में क्या होगा पैरेलल लाइन में जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन से डिक्रीज करा तो क्या होगा जीरो पॉइंट नाइन इस लाइन में जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट थ्री यानी पी पे जो C का कंपोजिशन होगा वो क्या होगा एट पॉइंट P C जीरो पॉइंट थ्री ऐसे भी देख सकते हैं ए बी साइड में C जीरो होगा और साइज ऑफ ईच इक्वल पार्ट क्या है जीरो पॉइंट वन तो यहां पे क्या होगा C जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री एट पॉइंट पी सी जीरो पॉइंट थ्री बी के लिए देखेंगे ए के लिए ए क्या है इस प्योर है तो यहाँ पे वन हुआ और जीरो पॉइंट वो जीरो पॉइंट वन से डिक्रीज कर रहा है तो इस पैरेलल लाइन में क्या होगा वन जीरो पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट सेवन इस पैरेलल लाइन में इस पैरेलल लाइन में जीरो पॉइंट सिक्स इस पर क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट फाइव ए जीरो पॉइंट फाइव इस इस इधर तरफ से भी देख सकते हैं साइड बी सी में ए जीरो है और जीरो पॉइंट वन से इंक्रीज करा इस डायरेक्शन इस, इस में ए इंक्रीज करेगा तो क्या होगा जीरो 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 पॉइंट वन इस लाइन में जीरो पॉइंट वन इस लाइन में जीरो पॉइंट टू इस लाइन में जीरो पॉइंट थ्री इस लाइन में जीरो पॉइंट फोर इस लाइन में जीरो पॉइंट फाइव तो एट पॉइंट पी क्या होगा एक्स वेट फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस वेट फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस वेट फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू वन वेट फ्रैक्शन ऑफ सी जीरो पॉइंट थ्री है वेट फ्रैक्शन ऑफ ए जीरो पॉइंट फाइव है वेट फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा वन माइनस जीरो पॉइंट एट इक्वल टू जीरो पॉइंट टू ऐसे भी देख सकते हैं इस इस वर्टेक्स पे बी प्योर है इसलिए वेट फ्रैक्शन क्या होगा वन इस ए सी साइड में बी क्या Zero है जीरो है जीरो पॉइंट वन से इंक्रीज करें तो इस साइड इस पैरल लाइन में क्या होगा बी जीरो पॉइंट वन इस पैरल लाइन में क्या होगा बी जीरो पॉइंट टू यानी अब परसेंट में कैसे लिख सकते हैं यानी ए आया हमारा ज़ीरो पॉइंट फाइव बी आया जीरो पॉइंट टू सी जीरो पॉइंट थ्री परसेंट के टर्म में क्या होगा ए फिफ्टी परसेंट बी ट्वेंटी परसेंट सी थर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ए फिफ्टी ट्वेंटी परसेंट बी थर्टी परसेंट सी इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग एक गेट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये गेट टू टू थाउजेंड एट में आया था फॉर सिस्टम कंटेनिंग स्पीसीज पी क्यू आर कंपोजिशन एट पॉइंट के ऑन द टर्नरी प्लॉट इज पॉइंट के पे हम लोग का मिक्सचर का यह पूछ रहा है कंपोजिशन कंपोजिशन कैसे निकालेंगे पी क्यू आर पी क्या प्योर पी क्यू प्योर वे हंड्रेड परसेंट आर हंड्रेड परसेंट हम लोगों को के निकालने बोला है तो इसमें हम लोग देखेंगे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट इक्वल पार्ट में ये साइड पी क्यू को डिवाइड किया गया सिमिलरली पी आर कितने साइड में डिवाइड किया गया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्यू आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो साइज ऑफ इच इक्वल पार्ट क्या होगा हंड्रेड डिवाइडेड बाय एट क्या होगा 12.5 पॉइंट फाइव यानी साइज ऑफ ईच इक्वल पार्ट क्या होगा जीरो पॉइंट ट्वेल्व पॉइंट फाइव अब पूछ रहा है कि के पॉइंट में मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है तो क्यू जो है ये यहाँ हंड्रेड परसेंट है और पी आर साइड में क्यू क्या है जीरो तो और जो हम लोग जो ये जीरो और ये क्या होगा क्यू पॉइंट यहाँ जीरो तो ये क्या इस इस पे साइड में क्यू का कंपोजिशन क्या होगा परसेंट में जीरो ट्वेल्व पॉइंट फाइव टूएल्व पॉइंट फाइव साइज ऑफ इच इक्वल पार्ट्स जो है ये ट्वेल्व पॉइंट फाइव है तो इस जीरो यहाँ क्यू जो होगा वो ट्वेल्व पॉइंट फाइव होगा सिमिलरली आर क्या होगा पी पी हंड्रेड परसेंट है 12.5 परसेंट से डिक्रीज कर रहा है तो 100 माइनस ट्वेल्व पॉइंट होगा 87.5 सेवन फाइव फिर इसमें डिक्रीज करेगा तो 12.5 पॉइंट फाइव टू क्या होगा 25 तो 75 फाइव माइनस ट्वेल्व ये 62.5 होगा से 100 माइनस ट्वेल्व पॉइंट फिर 87.5 सेवन पॉइंट माइनस ट्वेल्व क्या होगा इस ला, इस लाइन में पी का कंपोजिशन सेवेंटी फाइव परसेंट इस लाइन में क्या हो जाएगा सेवेंटी फाइव माइनस टूवेल्व पॉइंट फाइव सिक्सटी टू पॉइंट फाइव इस यहाँ पे क्या हुआ हमारा के पॉइंट पे पी हो गया सिक्सटी टू पॉइंट फाइव अब एट पॉइंट क्या होगा पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू हंड्रेड परसेंट पी आया सिक्सटी टू पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव प्लस आर टू हंड्रेड परसेंट तो आर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी सी हम लोग करेक्ट ऑप्शन होगा पी सिक्सटी टू पॉइंट फाइव क्यू ट्वेल्व पॉइंट फाइव सॉरी ए करेक्ट ऑप्शन होगा यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिमिलर तरीका है यहां पे हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट पे क्या होगा पी जो होगा हंड्रेड परसेंट होगा यहाँ पे क्यू हंड्रेड परसेंट आर हंड्रेड परसेंट और जो साइज ऑफ ईच इक्वल पार्ट क्या होगा हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है हंड्रेड परसेंट को क्या करेंगे हंड्रेड डिवाइड बाई एट ट्वेल्व पॉइंट फाइव साइज ऑफ ईच इक्वल पार्ट क्या होगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव होगा तो पी का इस पी हंड्रेड परसेंट है तो पी क्या होगा पी इस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा तो इस पैरल लाइन में क्या होगा हंड्रेड माइनस टूवेल्व पॉइंट फाइव एटी सेवन पॉइंट फाइव एटी सेवन पॉइंट फाइव माइनस टूएल्व पॉइंट फाइव सेवेंटी फाइव परसेंट इस लाइन में क्या होगा सेवन फाइव परसेंट माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्सटी टू पॉइंट फाइव तो दिस लाइन में क्या होगा सिक्सटी टू पॉइंट फाइव यानी के पॉइंट पे मेरा पी क्या आया सिक्सटी टू पॉइंट फाइव क्यू कैसे निकालेंगे क्यू इस वर्टेक्स पे हंड्रेड परसेंट है पी आर वर्टेक्स पे क्या है जीरो है तो इस डायरेक्शन में क्यू इंक्रीज करेगा तो पी आर साइड में जीरो इस इस लाइन में क्या होगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव यानी के पॉइंट पे क्यू हमारा टूवेल्व पॉइंट फाइव है अब पी प्लस क्यू प्लस आर क्या होगा हंड्रेड परसेंट तो पी हमारा सिक्सटी टू पॉइंट फाइव है क्यू ट्वेल्व पॉइंट फाइव है आर क्या हो जाएगा आर माइनस कर देंगे हंड्रेड माइनस सिक्सटी टू पॉइंट फाइव माइनस टूएल्व पॉइंट फाइव आर इक्वल टू हंड्रेड परसेंट तो ये क्वेश्चन हम लोग गेट में आ चुका है तो इसमें देखते हैं कि इस टॉपिक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट से गेट में क्वेश्चन एक बार आ चुका है इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम डाटा जो है एक्सट्रैक्ट इक, और रेफिनेट का जो इक्विलिब्रियम डाटा है वो हम लोग इसमें प्लॉट करेंगे कैसे और रीजन को डिस्कस करेंगे किस रीजन में क्या होता है किसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं किसको डेफिनेट कहते हैं फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे पहले और एक मिक्सिंग रूल सीखेंगे मिक्सिंग रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टेज जब स्टेज ऑपरेशन करेंगे उसमें तो उसमें हम लोग उसको यूज़ करेंगे मिक्सिंग रूल को और मिक्सिंग रूल से गेट में तीन से चार बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो पढ़ेंगे मिक्सिंग रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आज के लिए लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको पढ़ते हैं थैंक यू